हल्की सी भाई परछाई शेर सा लग, दिख शेर रही सा लग है। रहा है बोलना एकदम मत, बोलना बड़ा मत, एकदम बोलना बड़ा मत, बोलना मत, बोलना हल्की मत। सी उसके देख, पेड़ के पीछे वही से है निकल क्या, रही वही है है क्या? वो साइड से। ये है स्पॉटेड डियर। अमन आओ पियेंगे नींबू पानी, या फिर थोड़े तो कुछ पी लेते हैं। भाई क्या बना रहे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेस व्लॉग। टुडे वी आर फेसिंग अप टू द उत्तराखंड एंड देयर इज अ सिटी कॉल्ड कोटद्वार। उत्तराखंड जाने का प्लान है और उत्तराखंड में जो कोटद्वार का फेमस जगह है वहाँ पे एक्चुअली मेरी मीटिंग है, तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब साथ में लेकर आया हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो अगर रास्ते में कहीं होगा तो मैं फिर अपनी मीटिंग वगैरह भी ले लूँगा वहीं पर। अमन भाई मेरे साथ में है। यार ये बाल बांध तो लिए मैंने, फिर भी ऐसा उड़ना। तो देखो मम्मी कह रही थी कटवा ले, मगर मैंने ये पीछे से कोनी बांध दिया। और अमन भाई मेरे साथ में है, हम दोनों अभी पहुँच जाएंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? इट्स अ मॉर्निंग ऑफ 11:14। सी इट्स अ मॉर्निंग ऑफ 11:14। उल्टा दिख रहा है यार। गाइस ये रहा मेरा बैग, ऑफिस का बैग है। इसमें लैपटॉप है और चार्जर है उसका और एक सॉकेट है। चार्जिंग के लिए अगर कहीं पर नहीं मिलता है, फिर एक दो हैंडआउट्स हैं उसके अंदर ऑफिस के, वो भी उसमें रिगार्डिंग्स वगैरह हैं थोड़ी सी। बस यही सब करेंगे बैठ के अगर कहीं पर टाइम मिलता है तो। बाकी अगर बीच में आती है मीटिंग तो हॉटस्पॉट करेंगे कनेक्ट मोबाइल से, या कहीं पर वाईफाई मिलेगा तो कनेक्ट कर लेंगे। देयर इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर मी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई 250 का डाल रहा, खुला नहीं क्या? खुल गया। पेटीएम है, कैश कैश है। गाइज अमन भाई का कहना है कि पाखरू भी चलेंगे। पाखरू जो है ये उत्तराखंड में ही है, और एक्चुअली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना बिजनौर, ये उत्तराखंड से बिल्कुल टच है। यूपी का लास्ट बॉर्डर है और उत्तराखंड का फर्स्ट बॉर्डर लगता है नजीबाबाद क्रॉस करने के बाद। तो अमन भाई का कहना है कि पाखरू भी चलेंगे, मगर वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं जैसे एलिफेंट हो गए या फिर टाइगर हो गए, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं करती ऐसे रुकना। और टू व्हीलर पर तो वैसे भी सेफ नहीं है क्योंकि अटैक कर देते हैं ना। और मेरा कज़न है फैज़, वो भी ज्वाइन करेगा हमारे साथ। अभी उसके कज़न है फैज़ के, तो वो भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ आएगा वो। और वो जिसके कज़न है वो इंफोसिस कंपनी में पंजाब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विल रिकॉर्ड ब्लॉग बाय शॉर्ट। गाइस अभी हम ना नजीबाबाद पहुंच चुके हैं, और आपको अगर कैमरे में दिख रहा हो ना थोड़ा ध्यान से देखो, सामने वो कोटद्वार का पहाड़ दिख रहा है, ये वाले ये जो है, अगर आपको दिख रहा हो उसके अंदर, बट इसमें दिखाई नहीं देगा। जब रेनी डेज होता है ना, बारिश हो जाएंगी या फिर थोड़ी कोहरे की धुंध हो जाती है, जब साफ दिखते हैं बिल्कुल। 28 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है कोटद्वार यहाँ से, इसलिए वो क्लियर कर कैमरे में आप ध्यान से देखो। जो पीक दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी तो आपको दिखाई देगा। अभी आगे चलेंगे तभी आपको रियल में दिखा देंगे। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। मेरे पास यार कोई वीडियो नहीं है, बट पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो उस टाइम में मैंने वीडियो बनाया था, तो अगर मेरे पास होगा वीडियो तो मैं साइड में लगा दूंगा या तो या फिर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो जैसे रेनी डेज होते हैं ना तब तो बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं, क्योंकि कोटद्वार यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर्स है। और जहाँ पे अभी हम ब्रिज पे थे पीछे, वो तो वहाँ से 28 है, तो 3 किलोमीटर हम चल के आगे भी आ गए। यहाँ का रोडवेज है नजीबाबाद का, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में रेलवे स्टेशन है। ये है देखो उसका रेलवे स्टेशन नजीबाबाद, इसकी एंट्री है, एंट्री गेट ही वाला है इसका। और यहाँ से मैक्सिमम ट्रेन होती है, जैसे कोई लिंक होती है ना ट्रेन कहीं के लिए लिंक हो रही है, तो वो यहाँ मिल जाएगी, वो बिजनौर में नहीं मिलेगी। बट पता है क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बिजनौर में लगता है नजीबाबाद। इसका डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, और इसका जो रेलवे स्टेशन है ना वो बिजनौर से बड़ा है, यानी कि ये जंक्शन है। ओनली 24 किलोमीटर आपके ऊपर। मैं इतनी बार आ चुका हूँ यार, आके बोर हो गया यहाँ पे, वो समझ में नहीं आता है क्या देखो आगे। इतनी बार आ गया यहाँ पे, अब तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था, बट मैंने सोचा अभी छुट्टी है, अभी आया हुआ भी हूँ तो बना लेते हैं वीडियो क्या जा रहा है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना कोटद्वार रोड आवासीय योजना नजीबाबाद सीमा समाप्त, तो यहाँ तक ना नजीबाबाद लगता है, इसके बाद से कोटद्वार लग जाएगा, यानी कि उत्तराखंड लग जाएगा। यहाँ आने के बाद उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। ये जो नहर है ना, ये वाली, इस नहर से आप यहाँ से सीधा निकल जाओगे ना अगर, तो ये आपको हरिद्वार निकाल देगी। इससे ही बहुत बार गए हम, और यहाँ पे हमें हाथी मिले दो बार। एक बार मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मिले थे 5 बजे के आसपास हमें, एक बार मिले थे हमें शाम के टाइम में 8 बजे के आसपास। तो ये भी बहुत डेंस फॉरेस्ट है।
एक्चुअली राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों ज्वाइंट ज्वाइंट जैसे हैं, अलग अलग हैं बट थोड़े करीब करीब हैं। तो क्या होता है, जो दोनों साइड के टाइगर हैं या फिर दोनों साइड के एलिफेंट्स हैं वो ट्रैवल करके, वो वॉक करके आ जाते हैं एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में। और ये जितना भी फॉरेस्ट है ये सारा का सारा फॉरेस्ट टोटल लगता है BFO के अंदर में। भाई जी देखिए, अब दिखाई दे रहे हैं ना माउंटेन्स, ये रहे, ये जो दिख रहा है ना ये पूरा, ये वही है गुरुद्वार के पहाड़ सारे। बहुत बढ़िया लगते हैं बारिश में, जब आओ कभी बारिश में आओ भाई, जब भी आना सबसे बेहतरीन। अभी जैसे धूप हो रही है तो धूप का मज़ा नहीं आया, तो सॉल्टी सॉल्टी लगेगी देखने में। रेनी डेज में आओ आपको थोड़ा स्लिप लगेगा थोड़ा सा, अब एक अलग ही तरह की वाइब्स आती है। ये देखो आप यहाँ पे उन्होंने बैनर लगा रहे हैं एलिफेंट्स के, एलिफेंट्स क्रॉसिंग के, ये जो है पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है। और ये देखो सामने जो है ना ये वाला, ये है था दीमक की बाम्बी, जो दीमक होती है ना, एक्चुअली दीमक जो होती है वो फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। दीमक क्या करेगी, जो लकड़ियाँ गिर जाती है ना उसको डीकम्पोज करती है या उसको खाएगी जैसा भी करती है। तो वो जो अब ऐसा तो है नहीं मैन पावर लगाएंगे और आगे जितना भी फॉरेस्ट का डर्ट है वो सब लकड़ियाँ वगैरह चुपके हुए लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी है। तो ये नेचर कॉल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मेरे दोनों साइड देख सकते हो कितना डेंस फॉरेस्ट है। ये देखो इधर देखो, इधर ये जितना भी है ना ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। अंदर हर तरह के एनिमल्स होंगे और जो मोस्ट फेवरेबल है, जो मोस्ट फेमस है तो वो एलिफेंट है और टाइगर है। यहाँ साइड में ये पूरा जितना है ना ये पूरा यहाँ सब भरे रहते हैं। एक चीज देखो आप, ये जो गाय खड़ी है ना एरी और एरी, देखो इनमें एक चीज देखो आप जो सिमिलर नहीं है प्लेन्स में और माउंटेन्स में, वो क्या है, वो ये है कि जो प्लेन्स की गाय होती है ना वो थोड़ी हाइट में भी ज्यादा होंगी, उनका एट्रीब्यूट्स भी ज्यादा होगा। इनको देखो आप हाइट में छोटी रहेंगी, एट्रीब्यूट्स ना थोड़ा अलग अलग सा लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट सा। जितना एल्टीट्यूड पे आप जाओगे उतने आपको एनिमल्स की हाइट वगैरह सब चेंज मिलेगी। इनको देखो आप ध्यान से, आपको देखने से डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखो बहुत अलग तरह की शेप होती है इनकी। अभी जैसे डॉगीज मिलेंगे आगे तो मैं डॉगी दिखाऊंगा आपको वहाँ के, तो माउंटेन्स के डॉगी देखना। और जो प्लेन्स है ना, प्लेन्स मतलब ज्योग्राफिकली प्लेन्स उसे बोलते हैं जहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ठीक है उसे प्लेन्स बोलते हैं, यानी कि प्लेन एरिया नेम से क्लियर हो रहा है प्लेन्स। तो वहाँ के देखना वो बहुत, वो भी बहुत अलग मिलेंगे। यहाँ के डॉगीज होंगे ना थोड़े से फ्लफी से और थोड़े हेरी मिलेंगे, बड़े बड़े बाल होंगे उनके, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है ना, जो मतलब 8 महीने यहाँ एक तरीके से ठंडा ठंडा रहता है, ये क्लाइमेट का असर ज्यादा है यहाँ पे। गाइस लुक एट द व्यू ऑफ माउंटेन, सॉरी माउंटेन कह सकते हैं, सही एक ही दिख रहा है। और एक चीज देखो यार, ये देखो गुलदार की फोटो स्पेशली इन्होंने लगा रखी है इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे गुलदार है, दिस इज अ गुलदार प्रभावित क्षेत्र एरिया, स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तभी भी लोग आके यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, सेल्फी लेते हैं, भाई नहीं लेनी चाहिए, अटैक कर देगा, आप भाग भी नहीं पाओगे। क्यों, आपको लगता है ना कि हम उससे तेज भाग जाएंगे, भाई वो फेमस है भागने में, समझ रहे हो ना। आप कैलकुलेशन में हाथी से जीत सकते हो, हाथी से जीत जाओगे आप, क्योंकि हाथी कैलकुलेशन ये है वो 6 मिनट में कुछ डिस्टेंस भागता है। तो अगर आप 8 मिनट में भाग जाओगे तो आप उससे पहले पहुंच जाओगे, मगर यार इनसे चीता वगैरह से तो आप जीत नहीं पाओगे कभी। जो कैट फैमिलियर के एनिमल्स हैं जैसे बाघ है या फिर गुलदार है, जितने भी होते हैं ना ये दो तरीके से अटैक करेंगे, या तो आपके पीछे से करेंगे नेक पे, या फिर सामने से करेंगे तो थ्रॉट पे करेंगे सीधा। ये दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, आपको मैं हिरन दिखाता हूँ। ये है स्पॉटेड डियर, ये कई सारे हैं बल्कि इनका पूरा ग्रुप है, दिख रहे हैं आप लोग को, ये स्पॉटेड डियर है। ये जो है टाइगर का फेवरेट फूड नहीं है बट फूड है, जो सांबर डियर होता है फेवरेट फूड होता है टाइगर का। ये है गाइस लोकेशन, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है माउंटेन्स की। अभी यार ये सब ना सूखे सूखे पड़े हैं, ये चलती है बहुत बढ़िया करके चलती है नदी, जब बारिश होती है ना ऊपर से पानी आता है तो पूरी भर कर चलती है, फिर नीचे की साइड आगे से ये टर्न ले जाती है इधर लेफ्ट में, तो वहाँ पे नहाए थे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो जगह कौन सी जहाँ हम लोग नहाए थे। ये देखो गाइस यहाँ पे भी एलिफेंट कॉरिडोर के लिए अवेयर किया हुआ है, बोर्ड भी लगे हैं। और आगे जो है इधर से जाके ना इधर ये जो आगे एक पैच आएगा बीच में, वहाँ पे DFO का ऑफिस है, यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वन्य अधिकारी, ये रहा ये है वन्य अधिकारी। तो इनके अंडर में ही सब कुछ आता है फॉरेस्ट का एरिया, जैसे एक SP होता है उनके अंडर में पुलिस आती है, जो बाकी का काम होता है वो DM के अंडर में आता है IS का, ऐसे ही ये लोग होते हैं। अभी देखो आप मेरे लेफ्ट में ये जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ से सफारी किसी को करनी हो जिप्सी वगैरह ये पे करते हैं हम लोग।
केरी जिप्सी वगैरह खड़ी है। और ये रास्ता जो जा रहा है ना, ये जा रहा है सिद्ध बली मंदिर। सिद्ध बली मंदिर जाना होता है किसी को तो ये, और ये रास्ता सीधा पाक रोड पर निकल रहा है। हम रात में अभी इसी रास्ते जाएंगे सामने से, बिल्कुल ऐसे क्रॉस करके वो पीछे से निकल जाएगा पहाड़ियों के, सिद्ध बली क्रॉस करके 22 किलोमीटर पड़ता है पूरा। यहाँ से वो आता है भड़ापुर, उसके बीच में ही पाक रोड पड़ेगा। वही एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ब्लॉक के, वहाँ पे टाइगर और एलिफेंट्स वगैरह मिलता है, मिलते सब जगह है। ये कॉर्बेट का और राजा जी का दोनों का ज्वाइंट एक एरिया।